नमस्कार दीदी। नमस्कार भैया। दीदी की करे छे? कोबी नहीं देखे छे, कीड़ा लागलो छे वहां सब देखे छे। हां दीदी, हे देखे छे हम तो कीड़ा लागी गलो छे। हां भैया, तो की करबे? एकरा दवा से स्प्रे करबे। दवा से स्प्रे करबे? हां। तो बाजार से कीनी कानबे? ना भैया, ई घरे में बनाय छे। ओ घरे में बनेबे? हां भैया, अग्नि अस्त्र बना के स्प्रे करबे। अग्नि अस्त्र की होय छे दीदी? ई के कीटनाशक। कीटनाशक छिके? हाँ भैया। दीदी अग्नियास्त्र जे छे कहिया बनेबो? अभिये बनेबे भैया। अभिये बनेबो? हाँ भैया। तो दीदी हम सीख लेतिए कि अग्नियास्त्र कैसे बने छे। चलिए ना भैया बनेबे, अभी सब सामान आनलो छे, रखलो छे मां। ओ सब सामान आनलो छे? हाँ भैया। तो चलिए दीदी। अग्नियास्त्र बनाबे मां नीम पत्ता का जरूरी लागे छे भैया, ओकरा से मां तोरी के रखी ले छी। नीम का पत्ता भी लागे छे ना? हाँ भैया। एकरा पहले तोरी के रखी ले छी ना? हाँ भैया, पहले एकरा तोरी रखी ले छी। अग्नियास्त्र बनाबे के की उद्देश्य छे? अग्नियास्त्र छके भैया कीटनाशक, फल और फूल पर लागे वाला कीट सब बचाव करे छे भैया। दीदी उद्देश्य तो बता देल, अब अपना परिचय बता देतिए। बता छी, नाम भेले सुधा देवी, निहा जीविका संघ सहिता का अध्यक्ष छिके, सागर जीविका महिला ग्राम संगठन का कोषाध्यक्ष छिके, घर हेले बगवा प्रखंड धमधा जिला पूर्णिया का निवासी छिके। नाम श्री लेखा देवी, नेहा जीविका संघ सहिता समूह का कोषाध्यक्ष छिके, हम घर बगवा छे जिला, घर बगवा छे प्रखंड धमधा छे जिला पूर्णिया का निवासी छिके हम। अग्नि अस्त्र बनाबे में जे जे सामान लागे छे उ सब बताय छी। हाँ दीदी बता दे हमरा की सामान लागे छे। ई नीम का पत्ता 5 किलो छे। ई 5 किलो छे? हाँ भैया। ई आधा केजी छ तमाकुल का पत्ता। ई तमाकुल का पत्ता छे का? हाँ भैया। आधा केजी? आधा केजी। ई आधा केजी छ भैया हरी मिर्च। आधा केजी ना? हाँ भैया, हरी मिर्च आधा केजी। आधा केजी छ लहसुन। लहसुन भी आधा केजी ना? हाँ भैया। ई चखन भैया देसी गाय का गोमूत्र 10 लीटर। देसी गाय छिके? हाँ भैया। 10 लीटर? हाँ गोमूत्र। ई हल मिट्टी का हरिया, मिट्टी का बर्तन होले ना? बर्तन होले। हाँ भैया, मिट्टी के बर्तन होले। ये लान बल्टी। ये प्लास्टिक का बल्टी? बल्टी ले। हाँ भैया। यो लागे छे? हाँ यो लागे छे। एगो ये डंटा लागे छे भैया। एक तो लकड़ी का डंटा भी लागे छे ना? डंटा भी लागे छे भैया। दस लीटर गौमूत्र में 5 केजी नीम का पत्ता कुटी का डालबे ओकरा में भैया। तो ई नीम का पत्ता के तब कुटबे ना? हाँ भैया। दस लीटर गौमूत्र मिट्टी के बर्तन में डाली दी छे। मिट्टी एक बर्तन में डाल लो ना? हाँ भैया, ये मिट्टी एक बर्तन में डाल लो। हाँ, पूछी रही हम दीदी तो बढ़िया न कर लिए, अन्य तो हम सब सिल्वर हम डाली देती है। नहीं दीदी, सिल्वर और बर्तन हम नहीं डाले थे, मिट्टी एक बर्तन में डाले थे दीदी। यानी सिल्वर वाला बर्तन में नहीं बनाना थे? नहीं भैया। 10 लीटर गौमूत्र में 5 केजी नीम का पत्ता कुटलो डाले छे। दीदी गौमूत्र में नीम का पत्ता कुटल कहना डाल? गौमूत्र जंतुनाशक का काम करे छे।
हाँ दीदी, गौमूत्र जंतु नाशक का काम करे छे ना। हाँ, जंतु नाशक खोले गौमूत्र ना। हाँ भैया, नीम का पत्ता करवा है छे, जकरा से कीड़ा नहीं लागे छे। नीम का पत्ता करवा होय छे, ओकरा से कीड़ा नहीं लागे छे ना। हाँ भैया, तीखा हरा मिर्च आधा किलो कुटलो डाले छे। दीदी, एम केना डाले छे तीखा हरा मिर्च कुटलो, की कारण छे एकरो? तीखा हरा मिर्च करवा है छे, और हरा मिर्च में कैप्सिन पहले छे, जिसके ओकरा से कीड़ा नहीं लागे छे। हरा मिर्च करवा होय छे? हाँ, और हरा मिर्च में कैप्सिन पहले जाय छे? हाँ भैया, जकरा से कीड़ा नहीं लागे छे ना। लागे छे? हाँ भैया, आधा किलो कुटलो लहसुन डाले छे। आधा किलो कुटलो लहसुन? दीदी, केना डाललो एकरा में? लहसुन में इलायची पहले जाय छे। लहसुन में दीदी इलायची पहले जाय छे? हाँ दीदी, जकरा से लहसुन करवा होय छे, जिसकी कीड़ा नहीं लागे छे। ओ, लहसुन में इलायची पहले जाय छे, जकरा से लहसुन करवा होय छे। हाँ भैया, और ओकरा से कीड़ा नहीं लागे छे ना। ओकरा से कीड़ा नहीं लागे छे। अब जे छे आधा किलो तमाकुल का पत्ता कुटलो डाले छे एकरा में। तम्बाकुल का कुटलो पत्ता एम केना डाललो दीदी? तम्बाकुल में निकोटीन पैलो जाय छे। तम्बाकुल में निकोटीन पैलो जाय छे दीदी? हाँ दीदी, तम्बाकुल में निकोटीन पैलो जाय छे, जकरा से की कीड़ा नहीं लागे छे और फसल सुरक्षित रह लगे। तम्बाकुल में निकोटीन पैलो जाय छे, जकरा से कीड़ा नहीं लागे छे। हाँ भैया, और फसल भी सुरक्षित रहे छे। हाँ, यानी कीड़ा सुरक्षित? हाँ, कीड़ा सुरक्षित रहे छे भैया। सब चीज तक हम डालिए दिलिए। अब चूल्हा पर चढ़ा के अब एकरा चार बेर उबालबो। चार बार उबालबो दीदी एकरा? हाँ दीदी, चार बेर उबाल, यानी चार उबाल तक उबालना छे। हाँ, चार बेर उबालबो। अब जे छे एकरा चूल्ही पर चढ़ा के उबालना छे। अब एकरा चूल्ही पर चढ़ा के उबालना छे एकरा ने? हाँ दीदी, उबालबो। हाँ दीदी, एकरा ढकबो करबो दीदी की? हाँ भैया, एकरा हे अब ढकी देलिए। चारू बालन दीदी केना उबालबो एकरा? एकरा में जे सब मिश्रण देलो छे अच्छा तरह से एकरा में मिली जेते। एकरा चार बेर उबालला के बाद उतारी के ठंडा जगह 48 घंटा रख देना छे। ये मतलब चार उबाल हो जेते तो एकरा उतारी के 48 घंटा तक ठंडा जगह पर रखबे ना? हाँ भैया, 48 घंटा तक केना रखबो दीदी एकरा? अच्छा तरह 48 घंटा में मिश्रण तैयार हो जेते। अग्निअस्त्र बनाबे के दीदी की लाभ छे? अग्निअस्त्र जे छे आसपास के वस्तु द्वारा घोल बने लगे छे। ये आसपास के वस्तु द्वारा बने लगे छे ना? हाँ भैया, आसपास के वस्तु द्वारा बने लगे। एकरा बनाबे में कोई खर्च नहीं छे। हाँ, एकरा स्प्रे करे में कोई वातावरण का असर ना आवे छे। ओ, मतलब कि एकरा बनाबे में कोई खर्च नहीं छे? कोई खर्च नहीं छे। और एकरा से जो फसल पर स्प्रे करबे तो वातावरण पर भी कोनो प्रभाव नहीं पड़े छे ना? एकरा पर वातावरण का कोनो प्रभाव नहीं पड़े छे। अग्निअस्त्र बनाए में कोनो सावधानियों रखे पड़े छे दीदी? हाँ दीदी, सावधान रखे पड़े छे। कौन सब चीज सावधानी रखे पड़े छे दीदी? हाँ दीदी, सावधानी बता दो। सावधानी ई रखे पड़े छे कि मिश्रण का चार बार ही उबालना छे, 48 घंटा ठंडा जगह मिश्रण का रखना छे, एकरो उपयोग 3 महीना ही करना छे। एकरो उपयोग जे छे अपने गांव करना छे। मिश्रण का मट्टी का बर्तन में उबलना छे। मिश्रण का सूती कपड़ा में छानी का प्लास्टिक का बर्तन में रखना छे। किसान भाई कोनो संदेशो देबो दीदी? हाँ दीदी, संदेश देबे की? हाँ, किसान दीदी भाई को संदेश दो दीदी। सब किसान दीदी भाई से हम विनती करे कि अग्निअस्त्र बनाकर अपना फसल पर छिड़काव करे, जकरा कि फसल पर कोनो कीट नहीं लगतों, वातावरण स्वस्थ रह। दीदी, तो अपनो कीमती समय निकाली के हमरा बतेलो कि अग्निअस्त्र कैसा बने छे, जकरा से हम सीखी गेलिए और खुद जाकर अपना बनेबे घरों में और एकरो फसल पर स्प्रे करबे और भी गांव समाज में समूह में जाकर बतेबे कि अग्निअस्त्र बनाबो और एकरो प्रयोग करो, जकरा से कीट नहीं लगतों। एकरा लिया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हमहूँ दीदी सीखी गेलिए सब अपना खेतों में जाकर
मिश्रण बना कर अपना प्रयोग करबे खेतों में। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी।